नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? होप करते होंगे सभी बहुत अच्छे होंगे। अनुपमा में फाइनली हमें छोटी और प्रेम की लव स्टोरी अब देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, मतलब ऑब्वियसली स्टोरी में कोई ना कोई लव स्टोरी तो होगी, आपको सभी को पता ही है। और फाइनली अब ये इनकी स्टोरी शुरू होती हुई हमें नज़र आएगी। वहीं दूसरी तरफ आपको एक लव ट्रायंगल बनता हुआ भी नज़र आएगा, जहाँ अभी फ़िलहाल एक तरफ तो छोटी जो है वो आ तो गई है, अनुपमा के साथ आ तो जाएगी, लेकिन वो उसकी जो अनुपमा से नाराज़गी है वो इतनी आसानी से दूर नहीं होगी। मतलब वो दोनों के बीच में अभी उतना ज़्यादा मतलब अनुपमा की तरफ से तो है ही, मतलब प्यार कंसर्न वगैरह सारी चीज़ें हैं, लेकिन मतलब ये अभी उस चीज़ से सदमे से बाहर नहीं आई है छोटी की। मतलब उसकी माँ जो है वो उसे पुलिस के हवाले करने वाली थी वगैरह वगैरह, जो भी उसके अंदर बैठा हुआ है एक वो चीज़ अभी तक निकली नहीं है, और वो इतनी आसानी से निकलेगी भी नहीं। ये लंबा सीक्वेंस जाने वाला है। तो दूसरी तरफ यहाँ पे प्रेम के साथ इसकी जो स्टोरी है, जो लव स्टोरी है, वो कहीं ना कहीं मतलब पहले तो बहुत ज़्यादा नोकझोंक एंड ऑल ये सारी चीज़ें, लेकिन इसी के थ्रू ही अब मतलब धीरे 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 आगे बढ़ेगी। और इन लोग को भी रियलाइज़ होगा, बट इतना जल्दी नहीं रियलाइज़ होगा ऑब्वियसली, थोड़ा और टाइम लगेगा। मतलब इसी बीच में घर के बाकी बच्चे हैं, उनकी भी स्टोरीज अब स्टार्ट होंगी। और सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि हमें सिर्फ अनुपमा को ही देखना है, और भी लोग हैं जो अब ये दोनों लीड में आए हैं ऑब्वियसली, तो इनकी स्टोरी को थोड़ा सा मतलब ज़्यादा दिखाया जाएगा। तो कितने एक्साइटेड हैं आप छोटी और प्रेम के नई लव स्टोरी देखने के लिए, ज़रूर बताइएगा मुझे। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, शेयर करना है सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।